नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे क्राइम कम बैक। अपराध रोकने के लिए हर प्रयास किए जा रहे थे लेकिन अब अपराधों का कम बैक हो रहा है। कानपुर के बीच बाजार सपा नेता की सपा नेता के द्वारा गोली मारकर हत्या और फिर कानपुर में ही ट्रिपल मर्डर केस। वहीं बिजनौर में प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी ने अब पहले प्रेमिका को गोली मारकर घायल कर दिया, फिर प्रेमी ने खुद कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अभी गोरखपुर हत्याकांड का मामला ठंडा नहीं हो पाया था और अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ वारदातें और हत्याएं होने लगी हैं। कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि प्रशासन अपने स्तर पर ठीक से या तो काम नहीं कर पा रहा या छुटबहिए अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे सुबह बोलेगा में। लगातार जो मामले हैं अपराधों के बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे साथ खास मेहमान है, ताहिरा हसन है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेविका हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जहीर अहमद बिजनौर से हैं संवाददाता, और मधुर मोहन कानपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मधुर आपके पास आऊँगा, चूंकि कानपुर में ट्रिपल मर्डर केस हुआ और एक सपा नेता ने सपा नेता को गोली मार दी। जी बिल्कुल, ये कानपुर है, ये उत्तर प्रदेश का माना हुआ जिला है कानपुर, लेकिन कानपुर को आप लोग क्राइमपुर नाम से जान रहे हैं क्योंकि 24 घंटे के अंदर 6 हत्याएं होना अपने में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली बात है और नाम अपने में है। कानपुर को लोग अभी तक अच्छे उसमें जानते थे लेकिन 24 घंटे के बाद उसको क्राइमपुर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, कल रात को एक यहाँ हत्या होती है, सपा नेता ही सपा नेता को गोली मार के बीच बाजार दौड़ा गोली मारता है लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसको जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा बताने पे होती है, उसमें भी माना जाए तो पुलिस के हाथ खाली समझिए क्योंकि क्षेत्रीय लोग खुद बताए कि इस व्यक्ति ने इनको गोली मारी है। दूसरी बात करें आज सुबह की 9 बजे की, 8 घंटे नहीं बीते उसके बाद फिर एक ट्रिपल मर्डर हो गया, वो भी पतंगल चौराहे पे का पेकर लगती उससे कुछ ही दूरी पे एक ट्रिपल मर्डर हुआ जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती। तो कहीं ना कहीं माना जाए जो पुलिस का जो इकबाल है, जो पुलिस की ताकत थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। जितने भी बदमाश है बेखौफ लोग घूम रहे हैं लेकिन पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। सबसे बड़ी बात एक सामने देखने को हो रहा है, जो ये बदमाश होते हैं चाहे लुटेरे हो चाहे जो भी हो, इनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है पुलिस का, क्योंकि आपको ये बदमाश जब किसी साथ मारपीट करते हैं, किसी को लहूलुहान करते हैं, गंभीर चोटें आती है और जब इनकी शिकायत थाने की जाती है तो पुलिस सिर्फ अपने 307 बचाने चक्कर 302 बचाने चक्कर में सिर्फ 151 में कार्रवाई करके इनको हल्की धारा में करके 1 घंटे में छोड़ देती है, जिससे इनके मनोबल और बढ़ता है और जिससे ये अपराधी दुनिया में और आगे कदम रखते हैं। जी मधुर जी, ट्रिपल मर्डर केस का जो मामला है, सपा नेता वाला मामला, तो सबको पता है कि गाड़ी रखने का विवाद था, वर्चस्व का मामला सामने आया, उसने गोली मार दी, और जो दूसरा मामला है ट्रिपल मर्डर केस का, वो आरोपी क्या अब तक पकड़ा गया है, क्या किस पर शक जाहिर किया गया, कौन आरोपी शामिल हो सकता है इस वारदात में? बिल्कुल, यहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम और भी जो टीमें वो सब लगा दी गई, 60 टीमें फुल बनाई गई हैं जिनको अलग अलग दबिश पे भेजा गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है, अभी तक में कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि जांच का विषय, क्योंकि ये जो मामला है बहुत पेचीदा मामला है, 1 साथ 3 हत्या होना, सबसे बड़ी बात 10 साल के बच्चे की इसमें हत्या की गई जिसका कोई कसूर नहीं माना जाएगा उसके। तो कहीं ना कहीं पुलिस हर बिंदु की जांच कर रही है, इसमें जमीन का विवाद भी देखा जा रहा है, इसका जो पुराना कोई विवाद है उसको लेकर चल रही है, हर विवाद को लेकर चला जा रहा है। लेकिन अभी कुछ कहना स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या क्यों की गई है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पुलिस जांच कर रही है। हमारे साथ जहीर बने हुए हैं बिजनौर से। जहीर, बिजनौर में भी एक मामला सामने आया है, प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, वो घायल हो गए और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब बिल्कुल देखिए, बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर एक तरफा प्यार के प्रेमी ने तो प्रेमिका को मध्य मंदिर जा रही थी उस वक्त कर दिया, बाद में अपने घर पहुंचकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया, जो गंभीर घायल लड़की है युवती है उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्राइम की अगर बात की जाए तो बिजनौर पिछले सितंबर की अगर बात करें तो काफी तादाद में यहाँ पर मर्डर है, पर डे का अगर एवरेज लगाएं एक मर्डर जो है यहाँ पर पर डे के हिसाब से देखा जा रहा है, जबकि बिजनौर बहुत शांत जिला माना जाता है, इसके बावजूद भी क्राइम काफी बढ़ रहा है, क्राइम जो है वो नहीं रुक रहा है। हमारे साथ ताहिरा हसन जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ताहिरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तहरा जी, सवाल यह है कि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी गोरखपुर का मामला ठंडा भी नहीं हो पाया था जहां पर हत्या हो गई थी मनीष गुप्ता की, उसके बाद फिर से कानपुर में ट्रिपल मर्डर केस होता है और एक सपा नेता के द्वारा जरा सी बात पर सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का विवाद था, उस विवाद के चलते वो गोली मार देता है, कारण क्या है, जो युवाओं में क्या आक्रोश है,
या फिर कोई वर्चस्व है या शिक्षा की कमी है या बेरोजगारी, कहीं तो कुछ ना कुछ कारण है, या फिर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है? देखिए, बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि युवाओं को कोई लाइसेंस मिल जाए कि वो किसी की जान ले लें। पहली बात की जो आपने बताया, ये युवा का जो हुआ है, सपा का नेता, दोनों ही सपा के थे, तो वो अवैध पिस्टल से बता रहे हुआ है, तो अवैध पिस्टल उसके पास आई कहां से? इसका मतलब वो अवैध पिस्टल रखता था। तो इस तरह के लोगों का पुलिस पे शिकंजा क्यों नहीं है? और ये बात पार्टियों से भी है, उनकी पार्टियों में इस तरह के लोग क्यों बने हुए हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं? पार्टियां जब बनती हैं तो वो शपथ लेती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जाहिर है उनको ये फॉलो करना है। देखिए, इसमें सभी का है, पुलिस का भी रोल है, पार्टी का भी रोल होगा कि वो किस तरह के लोगों को अपने अंदर रखते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा एक बार। तो इसको मुझे लगता है कि ये जो उसके बाद वो व्यक्ति कोई अफसोस भी नहीं कर रहा है, किसी की जान ले लिया इतनी बर्बरता से, उसके बाद उसे कोई अफसोस भी नहीं है, उसे कोई पछतावा नहीं है। वो कह रहा है मेरे लिए सम्मान की बात थी, मेरे सम्मान को ठेस पहुंची थी। अगर आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो क्या आप गोली मार देंगे? नहीं, सम्मान पे ठेस पहुंचेगी तो क्या आप कानून सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने हाथों में ले लेंगे? सवाल ये है, सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो आप FIR दर्ज कराइए ना, इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, तो आप ऐसे थोड़ी कि कानून हाथ में ले लिया, आपने आपको ठेस पहुंची तो आप कानून को ही, आप कानून के ऊपर हो गए। और पुलिस को भी देखना होगा कि उसका एक बार क्या कितना गिर क्यों गया है, खाकी वर्दी का डर क्यों नहीं रह गया? ट्रिपल जो हो गए मर्डर हो गए, कैसे हो गया? अभी मनीष गुप्ता का मर्डर हुआ, अभी 4 साल का बच्चा और उसकी पत्नी अपने पति को खो के ऐसे ही किस हाल में है? अब इधर 3 लोगों का मर्डर हो गया, 10 साल के बच्चे का हो गया। तो ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है इसका संज्ञान लेके हेड ऑफ द स्टेट को एक सख्त एक्शन लेना होगा, और वो एक्शन में बार बार कहती हूँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना होगा कि क्यों आपके थाने में जो भी थाना लगता हो इस तरह की वारदात हो, क्योंकि देखिए इनके पास डायरीज होती है, आप मित्र पुलिस बना रहे हैं। पहले भी देखिए इस तरह से होता था कि कुछ लोग जाते थे जो वहां के मोहल्लों में मिक्सअप होते थे, पुलिस वाले वहां से फीडबैक लेते थे कि किस तरह के लोग वहां है, कौन से लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल माइंडेड है, उन सबका रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है। तो उसके बिना पे पुलिस एक्शन लेती है तो पुलिस अगर सतर्क रहेगी, अपना काम करेगी, तो जाहिर है इनके अंदर डर पैदा होगा। लेकिन पुलिस फोर्स को बढ़ाने की बात भी है, देखिए ओवरबर्डन भी है पुलिस, कई चीजों को देखना होगा इसमें, बिल्कुल क्राइम को रोकना है तो सभी पहलुओं में बात करना होगा। बिल्कुल, पुलिस का खुफिया तंत्र भी जो है उसे भी मजबूत करने की जरूरत है। पहले के समय जानते थे, पहले के समय की अगर बात करें तो वहाँ पुलिस के हर मोहल्ले हर गली में कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिलती रहती थी, कौन से नए अपराधी बढ़ रहे हैं, कौन सी जो युवा है कौन सी गतिविधियों में शामिल। लेकिन आज की अगर बात करें, जो यूपी पुलिस का जो फोकस है वो बड़े अपराधी जो है उन पर है, जो माफिया है उन पर है, लेकिन जो छोटे छोटे अपराधी हैं, जो नए युवा हैं, जो अपराध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए माफिया आपको कंट्रोल करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपने आम इस तरह से जो क्राइम बढ़ रहा है ये बहुत खतरनाक है। अगर आपका युवा इस तरह से कानून को हाथ में ले रहा है और ऐसी दबंगई से कह रहे हैं कि हमें कोई दुख नहीं है, तो ये गलत मैसेज उन युवाओं के लिए जाएगा जो इससे प्रभावित होंगे, अपना रोल मॉडल देखेंगे इसके अंदर, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। एक्शन होना चाहिए, फौरन तुरंत एक्शन हो और ऐसी सजा दी जाए कि नजीर बने। इसके लिए पुलिस को अपना खुफिया तंत्र भी मजबूत करना होगा, जिस तरह पहले वाकई मित्र पुलिस की तरह वो जाते थे, हर मोहल्ले में उनके जानने वाले होते थे, वो बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, पता करते थे युवाओं की क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह की गतिविधियां यहाँ पे हैं, किस किस तरह के लोग, उनको सब पता होता था। कोई क्राइम होता था तुरंत पुलिस वहां शिकंजा कसती थी। तो मुझे लगता है सब तंत्र पुलिस को फिर एक बार पुराने तंत्रों का जो तरीका था उनको फिर मजबूत करना होगा और अपनी खाकी वर्दी का डर एक बार बना के रखना होगा। खाकी वर्दी का खौफ क्यों नहीं है लोगों में? लोग क्यों नहीं डर रहे कि खुले आम
गोली मार दे रहे हैं। एक बात तहरा जी ये भी है कि अब पुलिस बहुत हाईटेक बनती जा रही है, हाईटेक होना अच्छी बात है, लेकिन अब पुलिस ज्यादातर सीसीटीवी लगाकर कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रही है। उसे लगता है घटना जो भी होगी सीसीटीवी में कैद हो जाएगी और फुटेज के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या सीसीटीवी पे सब कुछ छोड़ देना क्या उचित है? बिल्कुल, जो पहले खुफिया तंत्र का इस्तेमाल होता था, पुलिस के कुछ लोग हर मोहल्ले गली में होते थे, वो फिर से उसे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अरे पहले जो था गर्ल्स कॉलेजेस जो होते थे, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस होते थे, इन सब के पास पुलिस छुट्टी के समय में और जब स्कूल का समय होता था, आप देखिए कुछ ना कुछ कांस्टेबल डरते रहते थे उन शहदों को कंट्रोल करने के लिए। लोग डरते थे, हिम्मत नहीं होती थी। आखिर उन सब चीजों को लाना होगा, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में बैठ के नहीं होगा। अगर बच्चों को भी पढ़ने जाने देना है, पढ़ाना है, सच में उनको आगे बढ़ाना है, तो बचाना होगा उनको। बिल्कुल, हर गली मोहल्ले का फीडबैक आपको लेना होगा। कौन से युवा जो हैं गली मोहल्ले के, वो कौन सी गतिविधियों में हैं, कौन पढ़ाई कर रहे हैं, कौन नौकरी कर रहे हैं, कौन खाली बैठे, सबका डाटा आपको लेना होगा ताकि क्राइम जो है उसे रोका जा सके। हमारे साथ मधुर बने हुए कानपुर से। मधुर, जो मामला सपा नेता का सामने आया है, एक सपा नेता ने सपा नेता गोली मार दी है, हम जानना चाहेंगे आपसे जिसने गोली मारी उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके पहले भी वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है? क्योंकि जैसा उसका रवैया है उससे तो साफ नजर आ रहा है उसको कोई पछतावा नहीं इस पूरी घटना को लेकर। जी बिल्कुल, जैसे आज जब आरोपी पकड़ा के गजनेर से कानपुर देहात से जब ये पुलिस ने इसको पकड़ा और जब पकड़ के इसको बर्रा थाने लेके आए, तो जब मीडिया से इसने बात की तो इसका साफ रूप देखने को मिला था कि इसको बिल्कुल पछतावा नहीं गोली मारने का। उसको साफ कहना ये था कि मेरे ठेस पहुंचे सम्मान से मैंने उसको गोली मारी और कोई भी मेरे सम्मान में ठेस पहुंचाएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। तो कहीं ना कहीं बात देखने लिए है कि उसको पुलिस से बिल्कुल डर नहीं था, वो अपने मैं में जी रहा था। लेकिन सब पुराना बैकग्राउंड देखो तो अभी तक उसके सामने ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, ये दोनों पहले दोस्त थे और दोनों ने एक साथ ही सपा ज्वाइन की थी, लेकिन सिर्फ वर्चस्व के लेके पूरा कल ये मामला था जिसमें ये सिवेन नाम के युवक ने इसको गोली मारी है। जी बिल्कुल, वर्चस्व के नाम पर गोली मार दी और आगे के लिए भी नहीं सोचा कि आगे इसके बाद अंजाम क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवालों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें क्राइम कमबैक। जी हां, उत्तर प्रदेश में जैसे अपराधों की बयार सी लग गई। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता का हत्याकांड हुआ, उसके बाद कानपुर में फिर से एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ और जो एक दोस्त ने एक दोस्त की हत्या कर दी। इसके अलावा बिजनौर में आपने देखा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को गोली मार देता है, उसका खुद भी गोली मार लेता है। तो लगातार अपराध जो है बढ़ते जा रहे, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन जी हैं, समाज सेविका हैं। ताहिरा जी, ब्रेक से पहले मधुर बता रहे थे कि जो सपा नेता जिसने गोली मारी उसको अंजाम का डर ही नहीं था कि इसके बाद आखिर होगा क्या। एक बड़ी वजह यह भी है कि लोगों को डर ही नहीं है, लोगों को यह भी लगता है कि अगर हम गोली मारते हैं, अपराध करते हैं, तो हम वाप जो केस होगा रफा दफा कर लेंगे, बेल करा लेंगे, जमानत करा लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। तो कानून की जो प्रक्रिया है वो भी काफी धीमी है, इस वजह से भी लोगों में डर जो है वो नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए एक वो भी वजह है और दूसरी वजह है कि पुलिस का खौफ कम हो गया है लोगों में, खत्म सा हो गया है। जो इकबाल होता है साकी वर्दी का, वो नहीं रहा, डर नहीं रहा। और दूसरी बात ये भी आप सही कह रहे हैं कि जब केस जाते हैं तो बड़ा लंबा समय तक चलते हैं वो, इसीलिए कहा जा मैं कह रही हूँ कि इनको ज्यादा जजेस की भी भर्ती करना चाहिए और जल्दी इन केसेस का निस्तारण होना चाहिए। अगर जल्दी नहीं होगा तो विटनेस भी हॉस्टाइल हो जाएंगे और ये क्रिमिनल जो है ये निकल जाएंगे और निकलने के बाद उससे भी बड़ा हीनियस क्राइम ये करेंगे। तो दंडित होना, कन्विक्शन रेट को बढ़ना हर इस तरह से क्रिमिनल केसेस में बहुत जरूरी है। जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा डर नहीं पैदा होगा। हम सिर्फ पुलिस को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सभी 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 की जिम्मेदारी बननी चाहिए, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। और जैसा कि आज गांधी जयंती है ताहिरा जी,
तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सत्ता पे बैठे जो हुक्मरान हो, वो इसे भव्य तरीके से मना रहे हैं। तमाम जो छोटी पार्टियां हैं वो इसे मना रही हैं, और जो माइक पर भाषण बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं कि हमें गांधी जी के जो रास्ते थे उसको, उस पर चलना चाहिए, उनके सिद्धांत को पालन करना चाहिए, उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ एक दिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जो गांधी जी के बताए रास्ते हैं उस पर चला जाए, उसके लिए भी कुछ कार्यक्रम बनाइए कि ताकि लगातार लोगों तक ये संदेश जाए, जो लोग गांधी को भूल चुके हैं उनको फिर से याद किया जाए, उनके बारे में लोगों को बताया जाए। सिर्फ गांधी जो आज किताबों में और प्रतिमाओं में सिमट कर रह गए हैं। बिल्कुल, देखिए बाहर मुल्क हमारे गांधी जी को याद करते हैं, वो हमेशा गांधी जी का नाम ले रहे हैं अपने भाषणों में। गांधी जी और गांधी जी की जयंती के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, जो नॉन वायलेंस की बात करते थे, वायलेंस की कोई जगह नहीं थी उनके जीवन में, और यही वो प्रीच करते थे, यही फॉलो करते थे, जो वो बताते थे उसी को फॉलो करते थे। उस दिन इस तरह की हिंसा की खबरें आना, ये बहुत शर्मनाक है। गांधी जी एक आइडियोलॉजी है। आपको गांधी जी को, अगर आप गांधी जी की बात करते हैं, तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो ना करें प्रॉपरली। जब आप उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तभी आप कह सकते हैं कि आप गांधी हैं। बिल्कुल, और लेकिन हमारे समाज का जो ढांचा है ताहिरा जी, हमारे समाज का जो प्रारूप है, जो ढांचा है, वो भी काफी देशों से अलग है। हमारे यहाँ पूंजीपति वर्ग जो है उनकी कैटेगरी अलग है, और गरीब वर्ग जो बड़ा तबका है वो अलग है। बीच में जो गैप है, जो एक खाई है, वो बहुत बड़ी है, और उसकी वजह से भी जो गरीब वर्ग है उसको, वो लग्जरी लाइफ देखता है, लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता हुआ, वो खुद फिर वो मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता है, वो भी एक बड़ा कारण है अपराध जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ देखिए, एक वो भी कारण है, और ये लोकतंत्र में ये हैव नॉट का गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि आपको कहा जाता है कि समता और समानता के साथ लोकतंत्र फलता फूलता और आगे बढ़ता है, तो यहाँ सबका अधिकार होना चाहिए रिसोर्सेस। बिल्कुल, 70 साल आजादी की हो गए, लेकिन जो गैप है वो कम नहीं हो रहा है ताहिरा जी, गैप बढ़ता जा रहा है। अगर है, दो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, अगर एक साइकिल से जाता है, दूसरा कार से जाता है, जो साइकिल वाला लड़का है उसके मन में भावना आना स्वाभाविक है कि मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो वो भी सोचता है मैं कार पाने के लिए क्या करूं। बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई कर कार को हासिल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो शॉर्टकट जो है वो क्राइम की ओर आपको ले जाता है। बिल्कुल, शॉर्टकट क्राइम की तरफ ले जाता है, और ये सोचते हैं कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, हमारे पास 2 जून की रोटी नहीं, इनके पास सब मैसर है। बिल्कुल, इसीलिए लेकिन हमारी कोशिश है हम अपने दर्शकों को बताने की, शॉर्टकट का रास्ता आप ना अपनाएं, एक कोशिश करें कि मेहनत के बल पर हम उसे हासिल करें। सरकार की भी जिम्मेदारी बने, ये जो गैप बढ़ता जा रहा है पूंजीवादी वर्ग जो है, पूंजीपति और गरीबों का, उसको भी कम करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा जी हमसे जुड़ने के लिए, मधुर आपका भी शुक्रिया, जहीर आपका भी शुक्रिया। तो आप देख रहे थे सुबह बोलेगा, जहां बात कर रहे थे क्राइम कम बैक हो गया है, लगातार क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, गोरखपुर वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, फिर से क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की दूरदर्शिता से हर प्रदेशवासी का हर सपना साकार हो रहा है। चाहे गरीब हो या किसान, मजदूर हो या महिला नौजवान, हर तबके को उसका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेडी लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन का लाभ दिया। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 885 ब्लॉक में किसान कल्याण मिशन योजना का लाभ दिया। हर घर नल योजना से 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना को क्रियान्वित किया।
भयमुक्त प्रदेश के लिए अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 15,74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों का जब्तीकरण किया। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए मिशन शक्ति 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रदेश वासियों को योजनाओं का लाभ देने में यूपी सरकार जी जान से जुटी है। शहर से गांव तक और सक्षम से गरीब तक को यूपी सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ दिया है। योगी सरकार में स्वर्णिम यूपी का सपना पूरा हो रहा है। योगी सरकार, सपने साकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के जब तक दोनों पहिए ना चले वो गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकती है, और करीब करीब यही फार्मूला लागू होता है देश पर भी।